जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो तैयारी करने के लिए एक सही टाइम मैनेजमेंट का होना बेहद जरूरी है। हर एक छात्र के जीवन में एक बार परीक्षा की घड़ी जरूर आती है। कुछ छात्र कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो कुछ अपने एकेडमिक एग्जाम की तैयारी करते हैं। हर प्रकार की परीक्षाओं के लिए आपको टाइम मैनेजमेंट की जरूरत होती है, क्योंकि परीक्षाओं के दौरान समय पलक झपकते ही गुजर जाता है। कुछ छात्र तो ऐसे होते हैं जो शुरुआत से परीक्षाओं की तैयारी नहीं करते तथा परीक्षा से कुछ समय पहले उन पर बोझ काफी हद तक बढ़ जाता है, जिससे तनाव और डर की स्थिति भी पैदा हो जाती है। ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए आपको शुरू से ही टाइम मैनेजमेंट की जरूरत होती है। हर एक स्टूडेंट को एक दिन में कुल 24 घंटे मिलते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट इस समय का प्रयोग सही तरीके से अपनी स्टडी में करता है वही परीक्षा में अच्छे खासे अंक हासिल कर लेता है और अंततः सफलता भी हासिल कर लेता है। आज की इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसे ही टिप्स बताने जा रहे हैं जो आपको आपकी परीक्षा की तैयारी में बहुत ज्यादा फायदा देने वाले हैं। आप अपनी परीक्षा की तैयारी में कैसे टाइम को मैनेज कर सकते हैं वो सब आपको इन 10 पॉइंट के जरिए पता चल जाएगा। पॉइंट नंबर 1, समय सारणी जरूर बनाएं। एग्जाम से पहले एक समय सारणी यानी कि टाइम टेबल को जरूर बनाएं। इस टाइम टेबल में आप अपने पढ़ाई के घंटों के अलावा अपने दिनचर्या के प्रत्येक काम को जरूर से नोट डाउन कर लें। ये भी ध्यान रहे जो समय आपने अपनी पढ़ाई के लिए निश्चित किया है उसी समय अंतराल के दौरान रोजाना पढ़ाई करें। टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ने से आप रोजाना नियमित रूप से एग्जाम की तैयारी सही ढंग से कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 2, प्रायोरिटी के आधार पर कार्यों का डिवाइडेशन करें। हर एक छात्र को दिन के 24 घंटे में कई तरह के अन्य काम भी करने पड़ते हैं। स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट को स्कूल भी जाना पड़ता है, इसके अलावा कुछ स्टूडेंट कोचिंग लेते हैं तो उसके लिए भी आपको अलग से समय की जरूरत होती है। इसलिए रोजाना के काम की एक चेक लिस्ट जरूर बना लें और उसी के आधार पर अपने काम को प्रायोरिटी के हिसाब से डिवाइड कर लें। ऐसे कामों को सूची में सबसे ऊपर रखें जो बहुत ज्यादा जरूरी हैं और उन्हें एक निश्चित समय में पूरा किया जाना होता है। वहीं उन कार्य को सबसे आखिर में रखें जो जरूरी नहीं होते तथा जिन्हें पूरा करने के लिए समय की कोई भी बाउंडेशन नहीं है। पॉइंट नंबर 3, शुरुआत से नियमित पढ़ाई करें। कुछ स्टूडेंट एग्जाम की डेट शीट आने के बाद से ही पढ़ाई शुरू करते हैं, लेकिन ऐसा करने से वे समय रहते अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाते। इसलिए एग्जाम से पहले ही थोड़ी थोड़ी नियमित रूप से पढ़ाई कर देना बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे आपको पढ़ाई बोझ भी नहीं लगेगी और इससे आपकी पढ़ाई सही क्रम से बन पाएगी। थोड़ा थोड़ा करने से आप परीक्षा की घड़ी आने से पहले ही अपना सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। इसलिए रोजाना एक नियमित समय फिक्स करें और उसी समय के दौरान अपनी पढ़ाई जरूर करें। पॉइंट नंबर 4, अपने नोट्स बनाएं। जब आप परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होते हैं तभी से रोजाना नोट्स बनाए जाने चाहिए। नोट्स बनाने से आपको पढ़ाई ज्यादा समय तक याद रहती है। इसके साथ ही परीक्षा के दौरान आपको दोबारा से उन मोटी मोटी किताबों को नहीं पढ़ना होता। इसकी जगह सिर्फ आप अपने द्वारा बनाए गए नोट्स को पढ़कर भी परीक्षा दे सकते हैं और उसमें सफलता हासिल कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, पाठ्यक्रम का समय के आधार पर विभाजन जरूर करें। आप अपने सिलेबस यानी कि पाठ्यक्रम को समय के अनुसार जरूर बांट लें। जिन विषयों को आप कठिन समझते हैं उन्हें ज्यादा समय दें, जबकि आसान विषयों को उनके मुकाबले कम समय दिया जाएगा तो भी ठीक रहेगा। कठिन विषयों में ज्यादा समय लगता है, इसलिए इन विषयों के लिए पहले से ही समय आवंटित कर देने से आप समय रहते इनकी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। इसके साथ ही इस बात का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है कि जो विषय हमें अच्छी तरह से आते हैं उन्हें बार बार दोहराने की भी आवश्यकता नहीं होती। पॉइंट नंबर 6, आसान विषयों की पहले तैयारी करें।
जो विषय आपको आसान लगते हैं उनकी तैयारी पहले से ही कर लें। उसके बाद कठिन विषयों की ओर बढ़ें, क्योंकि यदि आप कठिन विषयों को पहले पढ़ना शुरू करते हैं तो आप उसमें ही उलझे रह जाएंगे और यही फिक्र आपके दिमाग में बनी रहेगी कि मैं तो ठीक से पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूं, और इसी वजह से आप आसान विषयों की समय रहते भी तैयारी नहीं कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 7, प्रश्न पत्र के हिसाब से ही पढ़ाई करें। यदि एग्जाम की तैयारी के लिए आपके पास समय कम है तो कभी भी सिलेबस के हिसाब से पढ़ने की कोशिश ही ना करें, क्योंकि ऐसे समय में आपके लिए जरूरी है समय रहते एग्जाम की तैयारी को पूरा करना। इसलिए आप पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र को उठाएं और उनके हिसाब से तैयारी करके जाएं। इससे आपको यहां ये पता चल जाएगा कि परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिससे आपकी पक्की तैयारी हो जाएगी। इसके अलावा यदि प्रीवियस ईयर पेपर उपलब्ध ना हो तो आप मार्केट में आने वाले मॉडल सेट पेपर का भी सहारा ले सकते हैं, क्योंकि इन सैंपल पेपर मॉडल सेट में पिछले कुछ सालों में पूछे गए सभी प्रश्नों को शामिल किया जाता है और अक्सर देखा गया है कि परीक्षा में पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को ही ज्यादा संख्या में शामिल किया जाता है। पॉइंट नंबर 8, टाल मटोल ना ही करें तो अच्छा है। अक्सर देखा गया है कि बच्चे पढ़ाई को टालने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसकी वजह से आखिरी समय में वे खुद प्रेशर में आ जाते हैं। अनकंप्लीट सिलेबस की तैयारी करने की वजह से उन्हें एग्जाम में कम मार्क्स ही हासिल होते हैं। इसलिए कभी भी पढ़ाई को टाले नहीं, बल्कि डेली अपने टारगेट को निर्धारित करते हुए उसी आधार पर अपनी स्टडी को जारी रखें। पॉइंट नंबर 9, सोशल मीडिया से दूरी बनाना ही बेहतर है। एग्जाम की तैयारी करते समय सबसे जरूरी चीज होती है सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखना, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसकी वजह से आपका समय ज्यादा बर्बाद होता है। ये आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने का काम करता है, तो इससे जितनी ही दूरी बनाकर रखेंगे उतना ही आपकी स्टडी के लिए बेहतर रहेगा। पॉइंट नंबर 10, बीच बीच में ब्रेक जरूर लें। मनुष्य का मस्तिष्क किसी भी चीज पर अपना ध्यान सिर्फ 90 मिनट तक ही केंद्रित कर पाता है। लगातार पढ़ते रहने की वजह से एक समय ऐसा आता है जब आपको पढ़ाई समझ में आनी बंद हो जाती है, इसलिए बीच बीच में ब्रेक लेना ही आपके लिए बेहतर होता है। लेकिन ध्यान रहे कि आप अपने ब्रेक का समय निश्चित कर लें और उस निर्धारित समय से ज्यादा ब्रेक न लें। मैक्सिमम 10 से 15 मिनट का ब्रेक भी काफी होता है। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने आपको 10 ऐसे ही पॉइंट्स बताए जिनको आप समय रहते ध्यान से अगर अपनी स्टडी में शामिल करेंगे, इसी हिसाब से आप अपने एग्जाम के टाइम को मैनेज करके चलेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता हासिल होगी। इसी तरह की वीडियो अगर आप लगातार पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर।